कि आपके पिस भी कुछ ऐसे आते तो आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके एफपीएस बूस्ट 100% करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सब्सक्राइबर की भीख मांग लेता हूँ, भीख मांग लूँगा तो सब्सक्राइबर बढ़ भी जाएंगे। तो गाइस हम लोग 300 सब्सक्राइबर के क्या बक रहा हूँ भाई, सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज है। तो अगर आप लोग सब करोगे तो 300 सब में मैं Q&A डालूँगा और प्लस एक टेक्सचर पैक भी डालूंगा। तो आप लोग सब और लाइक कर दो, पहले तो लाइक कर दो, देखो कि आप सब्सक्राइब करे हो या नहीं तो कर दो, उसके बाद चलते हैं वीडियो की तरफ। या तो आपको पहले अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है, देन आपको ZArchiver खोल लेना है और डाउनलोड पे मैं आप लोगों को एक फाइल दे दूंगा, उसे आप लोगों को डाउनलोड करना है। तो ये रहा वो फाइल, तो इस पे व्यू पे क्लिक करना है, देन ये इसके अंदर क्लिक करके मॉड्स को कॉपी करने से पहले आप लोगों को क्या करना है मैं बोलता हूँ, ठीक है। मॉड्स को कॉपी करने से पहले आप लोगों को डिवाइस स्टोरेज में जाना है। डिवाइस स्टोरेज में जाके अब एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, डेटा में एंड पोजब लॉन्चर की फाइल में जाना है और फाइल्स में, और उसके बाद अगर ये अगर नहीं दिखता डॉट माइनक्राफ्ट तो आप थ्री डॉट पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाके फाइल लिस्ट में जाके आप लोगों को सो हिडन फाइल ऑन कर देना है। ये जो दिख रहा है सो हिडन फाइल, इसे ऑन कर देना है और उसके बाद आप लोगों को ये दिखने वाला है। तो अब आप लोग क्या करना है, मॉड्स वाले फाइल को डिलीट करना है, ठीक है। ये मॉड्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये रहा, इसे मैं डिलीट कर दूँगा। एकदम आपको सब स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, आपका ब्लैक स्क्रीन भी आ सकता है। उसके बाद आप लोगों को उस फाइल में जाना है, इस पे गए थे पहले हम लोग, और मॉड्स को फिर मॉड्स को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद उस वाले फाइल पे जाएंगे। मैं शॉर्टकट में रखा हूँ, फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले से, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। तो ये रहा एंड्रॉइड में गया, डाटा में गया और ये रहा core.kdn.minecraft और इधर जगह पेस्ट कर दूँगा। एकदम सिंपल है, पेस्ट कर दिया। अब आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब आप लोगों को जाना है पोज लॉन्चर में और आप लोग क्रिएट न्यू प्रोफाइल में क्लिक करना है ये रहा। और आप लोग अब जाना है कुछ अलग ही क्लिक हो गया। क्रिएट न्यू प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद क्रिएट फैब्रिक प्रोफाइल दिख रहा है, उस पर आप लोग क्लिक करना है और माइनक्राफ्ट वर्जन आप लोग को देखो 1.21.4 यूज़ ही नहीं करना और उससे कम भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि अभी 1.21.1 में बहुत ज़्यादा FPS बूस्ट आए और आप लोग बोले कि 1.20.4 में भी FPS बूस्ट आए, बट उसके उसमें सोडियम वर्क नहीं करता। तो 1.20.1 का डाउनलोड कर लेना और देखो अभी डाउनलोड तो हो चुका है, मैं वो बैक करके खोलूँगा तो आ जाएगा आई थिंक, ये रहा देख सकते हो। तो ये हो गया, अब मैं आप लोग को जरूरी सेटिंग बताऊँगा। अब आप लोगों को पेंसिल में क्लिक करने के बाद आप लोगों को होली GL4ES पे करके रन टाइम इंटरनल 17 कर देना है और उसके बाद आप लोगों को कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद अभी देखो इस पे दो ऑप्शन है, ये दोनों को ऑन कर देना है और ये रेजोनेंस स्केलर को आप लोगों को 70 पे रखना है और ये दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है, इससे बहुत ज़्यादा FPS बूस्ट होते हैं। और आप लोगों को जावा ट्रिक्स में जाके इस पे इसको आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग रखना है, मैं इधर रखता हूँ 600 में, आप लोग जितना भी रख सकते हो। मैं 2GB रैम पे खेलता हूँ तो मैं 600 भी रखता हूँ। और अभी आप लोगों को जाना है गेम के अंदर और गेम के अंदर जाने के बाद मैं बोलता हूँ उसके बाद क्या क्या करना है। और अभी मैं गेम पे आ गया, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट सेटिंग बताता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो सेटिंग में आना है पहले, रुको मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, FPS गंदे आ रहे हैं अभी के लिए। तो अभी मैं सेटिंग में क्लिक करूँगा, अभी वीडियो सेटिंग और अभी देखो ये इसे दो ये जो जो मैं कर रहा हूँ उसे कॉपी कर लेना है सिंपली, देखो इधर सब कुछ मेरे जैसे कर लेना, ठीक है। अभी अभी अप्लाई कर देना है और अभी मैं क्वालिटी में जाऊँगा और ये देखो ये डिक्रीज को मिनिमल पे कर देना है और इसे अप्लाई कर देना है, देखो। और ये सब मेरा कॉपी कर लेना है, जो जो मैं कर रहा हूँ सब कॉपी कर लो, ठीक है। और ये जो मिनी मैप लेवल इसे 0 पे रखना, ठीक है। ये फॉग इफेक्ट डिस्टॉर्शन इफेक्ट ये सब नया रखा तो भी चलेगा, मिनी मैप लेवल को 0 पे रख देना है। और इसे देखो परफॉर्मेंस में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, एडवांस पे आप लोगों को ये CPU रेंडर को 6 पे रखना है
और सीपी मेमोरी एलोकेटर को ए सिंक्स पे रखना है और इधर जाके ऑल को ऑफ कर देना और ये सब को ऑफ कर देना है, मैंने जो जो करके रखा है ठीक है। और अभी आप लोगों को पार्टिकल्स में जाके इसे ऑफ कर देना और जो जो ऑन रहेगा सब ऑफ कर देना है और डिटेल्स में ये सब ऑफ रहेगा और इधर जो है रहने देना है और सो FPS में जाके इसे ऑन कर देना है। बस आपका काम हो गया। अभी FPS पे गौर करो भाई, कितना ज़्यादा बूस्ट हो गया। अगर आप ये सब सेटिंग करते हो तो आपका गेम स्मूथ हो जाएगा, मैं बोलता हूँ। FPS ज़्यादा लेके क्या फ़ायदा, मैं 2 GB रैम पे खेलता हूँ और मेरा 50 या 60 करके FPS आ रहे रिकॉर्डिंग के साथ, 100 आ जाते नहीं तो। ये देख सकते हो सारे मॉड स्टारलाइट सोडियम सब है। और मिलते हैं किसी और वीडियो के, तब तक के लिए बाय।